हेलो फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जान बची सो लाखों पाए, यह कहावत इस मैच में पाकिस्तानी टीम के लिए सही साबित हुई। नीदरलैंड्स के खिलाफ रोमांचक मुकाबले के आखिरी ओवर में जीता पाकिस्तान। एक समय ऐसा लग रहा था कि नीदरलैंड्स की टीम आसानी से मैच जीत सकती है, लेकिन अंत में लगातार विकेट गिरने से पाकिस्तान ने इस मैच में वापसी की। पाकिस्तान ने यह मैच 16 रनों से जीत लिया। एशिया कप से ठीक पहले पाकिस्तान की टीम नीदरलैंड के साथ 3 वनडे मैचों की सीरीज खेल रही है। पहले मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को नीदरलैंड के खिलाफ एक रोमांचक मुकाबले में बड़ी मुश्किल से जीत हासिल हुई। पाकिस्तान की टीम के लिए यह उनकी एशिया कप की तैयारियों की पोल खोलने वाला मैच था। पाकिस्तान ने यह मैच 16 रनों से जीत लिया। 3 मैचों की सीरीज में अब पाकिस्तान 1-0 से आगे हो गया है। पाकिस्तान के 314 के जवाब में नीदरलैंड ने 298 रन बनाए। स्कॉट एडवर्ड की कप्तानी में उनके कुछ मुख्य खिलाड़ियों ने शानदार बल्लेबाजी की। पाकिस्तान को एक दिवसीय सुपर लीग में महत्वपूर्ण 10 अंक मिले। मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत में ही इमामुल हक का विकेट खोने के बाद बाबर आजम और फखर जमान के बीच 150 प्लस रनों की साझेदारी हुई। पाकिस्तान ने नीदरलैंड के सामने जीत के लिए 315 रनों का लक्ष्य रखा था। पाकिस्तान की तरफ से फखर जमान ने शतकी पारी खेली, जबकि कप्तान बाबर आजम ने 74 रनों की बेहद महत्वपूर्ण पारी खेली। अगर नीदरलैंड्स की तरफ से बात करें तो ओपनर विक्रमजीत सिंह और टॉम कूपर दोनों ने 65-65 रनों की पारियां खेली। इनके अलावा एडवर्ड और बीक की अर्धशतकीय पारी ने नीदरलैंड को यहां तक पहुंचाया।